एक दिन पहले जयपुर बाईपास पर एक निजी अस्पताल के सामने 29 वर्षीय एक युवक की मौत और परिजनों के द्वारा हत्या के आरोप के बाद पुलिस ने महज कुछ घंटे के बाद ही इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को डिटेन किया है। आखिरी दिन भर चले इस घटनाक्रम के बाद शाम को कैबिनेट मंत्री राजस्थान डॉक्टर कविलाल मीणा गंगापुर सिटी धरना स्थल पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मुख्यमंत्री से बात करके ढिलो साहब ने किया था, मुख्यमंत्री स्तर पर बात होगी तभी जो नाम है इनका पैकेज पूरा होगा और मैं इसमें इनको पूरा सहयोग दूंगा, इसलिए कि परिवार बहुत गरीब है और बड़ी कम उम्र में विधवा हो गई, उनके 2 बच्चे हैं, भरण पोषण के लिए भी कुछ नहीं है। मैं सरकार को कहूँगा कि उनकी पूरी आर्थिक सहायता की।